हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएस डीजी पाठशाला। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 जो कि है शेप्स एंड स्पेस। तो चलिए शुरू करते हैं। इनसाइड आउटसाइड। इनसाइड का मतलब होता है अंदर और आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। द अरब एंड हिज कैमल। ये है अरब एंड ये है कैमल। इट वॉज अ कोल्ड विंटर डे। एक ठंडी का दिन था। द अरब वॉज ट्रैवलिंग ऑन द कैमल बैक। अरब जो है कैमल की पीठ पे बैठ के यात्रा कर रहा था। एट नाइट द अरब पिच्ड हिज टेंट। रात के समय अरब ने अपना टेंट लगाया। एंड वेंट इनसाइड इट। और उसके अंदर चला गया। द कैमल वॉज आउटसाइड। जो कैमल था वो टेंट के बाहर था। मे आई पुट माई नेक इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। कैमल पूछता है क्या मैं अपनी गर्दन अंदर डाल लूँ, बाहर बहुत ठंड है। ओके, यू मे पुट योर नेक इनसाइड। अरब बोलता है ठीक है, तुम अपनी गर्दन अंदर डाल लो। मे आई पुट माई फ्रंट लेग्स इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। क्या मैं अपने दोनों पैर आगे के अंदर डाल लूँ, बाहर बहुत ठंड है। अरब बोलता है ओके, यू मे पुट फ्रंट लेग्स इनसाइड। तुम अपने आगे के पैर अंदर डाल लो। कैन आई कम इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। कैमल पूछता है क्या मैं अंदर आ जाऊँ, बाहर बहुत ठंड है। अरब बोलता है ओ नो, द टेंट इज़ टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस। टेंट हम दोनों के लिए बहुत छोटा है। सो आई एम कमिंग इनसाइड एंड यू गो आउटसाइड। तो कैमल बोलता है ठीक है, मैं अंदर आ रहा हूँ और तुम बाहर चले जाओ। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कैमल टेंट के इनसाइड है एंड ये अरब आउटसाइड है। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा बिगर एंड स्मॉलर। बिगर का मतलब होता है बड़ा और स्मॉलर का मतलब होता है छोटा। तुम्हारा पहला फिगर है, पहला क्वेश्चन है टेक द बिगर। आपको एक हिप्पोपोटामस दिया हुआ है और एक डॉग दिया हुआ है। इन दोनों में से बताना है कि कौन सा बड़ा है। बिगर, आपको बिगर बताना है। तो हम हिप्पोपोटामस को टिक कर देंगे क्योंकि ये बड़ा है। दूसरा आता है हमारा टिक द स्मॉलर। ये एक लीफ है, ये एक दूसरी लीफ है। आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन छोटा है। स्मॉलर मतलब छोटा, कौन छोटा है। तो ये वाली लीफ हमारी छोटी है। उसी तरह से इसमें ये एक काऊ है और ये स्क्वायरल है। आपको बताना है कि कौन सी चीज़ स्मॉलर है। तो हमारी स्क्वायरल को टिक कर देंगे क्योंकि स्क्वायरल स्मॉलर है। नेक्स्ट आता है हमारा टिक द स्मॉलर टायर। स्मॉलर टायर को आपको टिक करना है, मतलब जो छोटा है उसे टिक करना है। तो इन दोनों, ये एक टायर है और ये एक टायर है। इन दोनों में से आपको बताना है कि कौन सा टायर छोटा है। तो हमारी ये टायर छोटी है। नेक्स्ट आता है हमारा बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। और बिगेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। बड़ा, ठीक। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है टिक द स्मॉलेस्ट ट्री। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, मतलब ये तीन ट्रीज दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है। तो ये हमारा सबसे छोटा है, इसे टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
टिक द बिगेस्ट एनिमल, आपको इसमें बताना है कि सबसे बड़ा एनिमल कौन सा है। तो ये हमारा एलिफेंट सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है हमारा टिक द स्मॉलेस्ट फ्रूट, सबसे छोटे फ्रूट को फल को टिक करना है। तो ये हमारा सबसे छोटा फल है। टिक द बिगेस्ट बबल, आपको इसमें सबसे बड़ा बबल बताना है। तो ये हमारा सबसे बड़ा बबल है। नेक्स्ट आता है हमारा टॉप बॉटम, बॉटम का मतलब होता है नीचे, टॉप का मतलब होता है ऊपर। ठीक, इसमें ये बच्चा इस झूले के ऊपर है, तो ये टॉप हो गया जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये बच्चा अभी चढ़ रहा है, इस पे नीचे है ज़मीन पे, तो ये बॉटम है, तो बॉटम लिखा हुआ है। उसी तरीके से इस पेड़ पे देखिए, ये एक चिड़िया है जो कि टॉप पे है, और ये एक कैट है जो कि बॉटम पे है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, टिक द पॉट ऑन द टॉप, जो पॉट टॉप पे है उसे टिक करना है। आपको एक दो तीन पॉट दिए हुए हैं, आपको जो सबसे ऊपर पॉट है उसे टिक करना है। तो ये पॉट हमारी सबसे ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टिक द एनिमल एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स, आपको वो बताना है जो एनिमल जो है बॉटम पे है। तो हमारा ये एनिमल बॉटम पे है। नेक्स्ट आता है हमारा नियरर फादर, नियर फादर का मतलब होता है दूर, नियरर का मतलब होता है पास। टिक द बर्ड नियरर टू द होम, ये एक होम है, ये होम है, और ये एक बर्ड है, ये दूसरी बर्ड है। आपको बताना है कि कौन सी बर्ड इस होम के नियरर है, मतलब सबसे पास है। तो ये पिंक वाली बर्ड हमारी नियरर है, तो इसे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा टिक द कैट फार्दर फ्रॉम द ट्री, वो कैट बताने को टिक करना है, बताना है जो इस पेड़ से दूर है। तो हमारी ये कैट इस पेड़ से दूर है, ये कैट। नेक्स्ट है हमारा नियरेस्ट फार्देस्ट, फार्देस्ट मतलब सबसे दूर, और नियरेस्ट मतलब सबसे पास। ठीक, टिक द पपी फार्देस्ट फ्रॉम द ट्री, इस पेड़ से जो पपी फार्देस्ट है मतलब सबसे दूर है, उसे टिक करना है। तो आपको एक ये दो तीन चार पपी दिए हुए हैं, आप बताइए कि सबसे दूर कौन सा है। तो हमारा ये पपी सबसे दूर है। टिक द ट्री नियरेस्ट टू द बर्ड, आप बताइए कि कौन सी ट्री जो है बर्ड के सबसे पास है। तो ये हमारी बर्ड है, और ये एक दो और ये तीन पेड़ दिए हुए हैं, आपको बताना है कि सबसे नियरेस्ट कौन सा है बर्ड के। तो ये बर्ड है सबसे पास, ये वाला है, तो हम इस पेड़ को टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आता है हमारा ऑन अंडर अबव बिलो, ठीक। टिक द चिल्ड्रन ऑन द टेबल एंड क्रॉस द चिल्ड्रन अंडर द टेबल। तो इस फिगर में ऑन मतलब होता है ऊपर, और अंडर मतलब होता है नीचे। तो हमारे क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन था टिक द चिल्ड्रन ऑन द टेबल एंड क्रॉस द चिल्ड्रन अंडर, जो टेबल ऊपर है उन्हें टिक करना है, और जो नीचे हैं स्टूडेंट्स उन्हें क्रॉस करना है। तो
तो ये हमारा ऊपर है, ये हमारा टेबल के ऊपर है, और ये जो है हमारा क्रॉस कर देंगे क्योंकि ये नीचे है। नेक्स्ट है हमारा शेप्स अराउंड अस। क्वेश्चन है हमारा, पुट द शेप्स इन द पिंक एंड येलो बॉक्सेस बाय ड्राइंग अ लाइन। आपको दो बॉक्सेस दिए हुए हैं, एक है येलो और एक है पिंक। तो आप देख रहे हैं पिंक वाले बॉक्स में जो चौकोर शेप्स हैं वो रखे हुए हैं, और येलो वाले बॉक्स में एक बॉल रखी हुई है, यानी कि जो सर्कुलर जो गोल शेप्स हैं वो रखे हुए हैं। तो अब ये बाकी चीज़ें दी हुई हैं, आपको इसमें से बताना है कि कौन सा शेप किस बॉक्स में जाएगा। तो ये सर्कुलर है तो ये येलो बॉक्स में जाएगा, ये बॉल सर्कुलर है तो ये भी येलो बॉक्स में जाएगा, ये बैलून सर्कुलर है ये भी यहाँ पे जाएगा, और ये टमाटर भी यहाँ येलो बॉक्स में जाएगा। अब आता है हमारा दूसरा, ये चौक ये जाएगा पिंक बॉक्स में क्योंकि ये चौकोर है, ये एक चौकोर चीज़ गई हुई है यहाँ पे। ये हमारा दूसरा बॉक्स बड़ा ये भी जाएगा, और ये एक और चौकोर चीज़ है जो कि इस बॉक्स में जाएगी, यानी जो भी चौकोर चीज़ें हैं वो पिंक बॉक्स में जाएंगी और जो भी गोल चीज़ें हैं वो येलो बॉक्स में जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं, मैच द सिमिलर शेप्स बाय ड्राइंग अ लाइन। आपको सिमिलर शेप्स को मैच करना है लाइन ड्रॉ करके। एक शेप मिला के दिया हुआ है, ये आपको बाकी सबको मिलाना है। तो ये टमाटर का शेप बलून जैसा है, इसे मिला देंगे। इस बॉक्स का शेप यहाँ वाले बॉक्स के जैसा है, इसे मिला देंगे। और ये बॉल छुप फुटबॉल की जैसी है तो इसे मिला देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है एक तरीके के शेप्स को एक जगह रखना। शॉर्ट द शेप्स बाय जॉइनिंग विद सिमिलर शेप्स। क्वेश्चन है हमारा कि शॉर्ट द शेप्स बाय जॉइनिंग विद सिमिलर शेप्स। जो भी एक तरीके के शेप्स हैं उनको आपस में मिला के एक तरीके से एक साइड में रखना है, ठीक है। ये सारे आपके शेप, ये सारे आपके अलग अलग तरीके से शेप्स दिए हुए हैं, तो इन्हें अलग अलग सबको अलग अलग कैटेगरी में बांट के रखना है। इसका आंसर है ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द पेयर ऑफ सिमिलर शेप्स। आपको सिमिलर शेप्स को मैच करना है, जैसे एक ये मैच करा हुआ है तो इसे मैच कर देंगे, ये वाटरमेलन की शेप इसके जैसी है इसे मैच कर देंगे, ये इसके जैसा है इसे मैच कर देंगे, ये कैंडल जैसा है यहाँ मैच कर देंगे, ये इसके जैसा है यहाँ मैच कर देंगे, ये इस कैप से मैच होगा, ये यहाँ पे मैच होगा। अब क्या बचा, अब बचा ये, तो ये यहाँ पे मैच हो जाएगा। ये है आपका मैच। इसका फाइनल आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट आता है हमारा रोलिंग एंड स्लाइडिंग। रोलिंग का मतलब होता है जब कोई गोल चीज लुढ़कते 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 ज़मीन पे आती है तो वो रोलिंग होता है, और स्लाइडिंग मतलब सरकना। इस फिगर में आपको दिखाया गया है, ये बॉल जो है ऊपर से लुढ़क के नीचे आ रही है तो ये रोलिंग है, और ये चौकोर बॉक्स जो है ऊपर से आ रहा है ये सरकते हुए आ रहा है, घिसटते हुए आ रहा है, तो स्लाइडिंग है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, टिक द ऑब्जेक्ट्स दैट विल रोल।
आपको ऐसे ऑब्जेक्ट्स को टिक करना है जो रोल कर सकें। तो गोल चीज़ें रोल करती हैं और जो चौकोर चीज़ें होती हैं वो स्लाइड करती हैं। तो इसमें पूछा है कि जो चीज़ें रोल कर सकें उन्हें बताना है। तो ये पेंसिल हमारी रोल कर सकती है, फुटबॉल हमारी रोल कर सकती है और प्याज हमारी रोल कर सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा टिक द ऑब्जेक्ट्स दैट विल स्लाइड। आपको वो सारे ऑब्जेक्ट्स बताने हैं जो स्लाइड कर सकें। तो ये बैग हमारा स्लाइड करेगा क्योंकि बाकी सारी चीज़ें रोल करेंगी। नेक्स्ट आता है हमारा एक स्टोरी दी हुई है वाइज ग्रैंड मदर की। वाइज ग्रैंड मदर, वंस देर वॉज अ लैम्ब गोइंग टू सी हिज ग्रैंड मदर। एक बार एक लैम्ब अपने ग्रैंड मदर से मिलने जा रहा था। ऑन द वे थ्रू द जंगल ही मेट अ वोल्फ। जंगल में जाते समय उसे एक वोल्फ मिला। वोल्फ ने कहा आई एम गोइंग टू ईट यू, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। प्लीज लेट मी गो, आई एम गोइंग टू मीट माई ग्रैंड मदर, यू कैन ईट मी वेन आई रिटर्न। प्लीज़ मुझे, तो लैम ने कहा प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं अपने ग्रैंड मदर से मिलने जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊँगा तब तुम मुझे खा लेना। लैम ने कहा ओके यू मे गो, ठीक है तुम चले जाओ। ग्रैंड मदर गेव हिम एन आइडिया, तो ग्रैंड मदर ने उसे आइडिया दिया। ग्रैंड मदर ने कहा गो एंड हाइड योर सेल्फ इन अ ढोलक। उन्होंने कहा कि जाओ और ढोलक में जाकर छुप जाओ। ही डिड सो, उसने ऐसा ही किया। द ग्रैंड मदर रोल्ड द ढोलक ऑन द रोड। ग्रैंड मदर ने ढोलक को लुढ़का दिया ज़मीन पे और ढोलक लुढ़कते लुढ़कते जाने लगा। द लैम सॉ द वोल्फ वेटिंग फॉर हिम। लैम ने देखा कि वोल्फ उसके लिए वेट कर रहा है। डिड यू सी अ लैम कमिंग दिस वे, वोल्फ ने पूछा उस ढोलक से, क्या तुमने देखा है किसी लैम को इधर आते हुए। ढोलक में से आवाज़ आती है नो, नहीं देखा है। द वोल्फ ग्रीव सस्पिशियस एंड स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड द ढोलक। वोल्फ को शक होता है और वो ढोलक के पीछे दौड़ने लगता है कि ढोलक में से आवाज कैसे आई। बिफोर द वोल्फ कुड कैच हिम द लैम्ब रीच्ड होम एंड वॉज थैंकफुल टू हिज ग्रैंड मदर। जब तक कि वोल्फ लैम्ब तक पहुंचता है, लैम्ब अपने घर के अंदर होता है और वो अपनी ग्रैंड मदर को धन्यवाद देता है। वो उन्होंने उसको वो आइडिया दिया उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शेप्स। इसमें दिया हुआ मैच द शेप्स ऑफ सेम साइजेस। आपको जो सेम साइजेस के शेप्स हैं उन्हें मैच करने हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ये शेप इसके साथ मैच किया हुआ है, ये शेप इसके साथ मैच होगा, ये शेप इसके साथ मैच होगा, ये शेप इसके साथ मैच होगा और ये शेप इसके साथ मैच होगा। तो इसका आंसर आप देख लीजिए, ये है। नेक्स्ट आता है शेप्स। नेक्स्ट है हमारा मैच द सेम शेप्स। तो ये सर्कल है, ये इसके साथ मैच होगा, ये इसके साथ मैच होगा, ये यहाँ पे मैच होगा, ये रेक्टेंगल मैच किया हुआ है, ये पेंटागन यहाँ पे होगा और ये यहाँ पे होगा। देख, कलर द स्मॉलेस्ट शेप। तीन शेप्स दिए हुए हैं, आपको जो सबसे छोटा है उसे कलर करना है। एक दो तीन, तीन स्क्वायर दिया हुआ, आपको सबसे छोटा वाला शेप कलर करना है। तो ये कलर किया हुआ है, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा सर। ये एक दो तीन, तीन शेप दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है। तो इसमें सबसे छोटा है ये वाला, इसे कलर कर देंगे। तो इसे कलर करने के लिए हम इसे कलर कर देते हैं।
ये हो गया कलर, इसे कलर कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा ट्रायंगल, 1 2 3, तीन ट्रायंगल है, आपको बताना है इसमें कौन सा है, ये वाला, तो इसे कलर कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट है हमारा ये, इसमें सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला, तो इसे कलर कर देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉइन द सिमिलर शेप्स, तो हमें सिमिलर शेप्स को इसमें मिलाना है। तो ये शेप हमारा इस शेप के जैसा है, ये शेप हमारा इसके जैसा है, तो इसे मैच कर देंगे, ये शेप हमारा इसके जैसा है तो इससे मैच कर देंगे, और ये शेप हमारा इसके जैसा है तो इससे मैच कर देंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कलर ग्रीन रेड एंड ब्लू, तो जो ट्रायंगल शेप है उसे आपको ग्रीन कलर करना है, जो सर्कल है उसे रेड करना है, एंड जो स्क्वायर शेप है उसे ब्लू करना है। तो ये फिगर है जिसमें कि आपको अलग अलग कलर भरने हैं, और कलर भरने के बाद आपका शेप कुछ ऐसा दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर ट्रायंगल ग्रीन, सर्कल पिंक एंड स्क्वायर येलो, तो हमें ट्रायंगल को ग्रीन कलर करना है, सर्कल को पिंक करना है, और स्क्वायर रेक्टेंगल को येलो कलर करना है। तो ये रहा हमारा शेप, और ये शेप आपको कलर करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये है आपका आंसर।